आप सबका इस्तकबाल है टीएस स्टोरी न्यूज पर। आज दो चोरों को गिरफ्तार किया गया चंद्रायन गुटा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत। तफसलात के मुताबिक दो चोर को किया गया गिरफ्तार चंद्रायन गुटा पुलिस की जानिब से। उनके कब्जे से 16 तोला सोना, 8 तोला चांदी, 17,000 रुपये जब्त किए गए, जिसकी कुल मालियाती कीमत 8,00,000 रुपये बताई जा रही है। इस मौके पर आज 4 बजे पुरानी हवेली पर DCP साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी तफसलात बताई। देखिए यह रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने TS स्टूडियो न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TS स्टूडियो न्यूज़। अप्रैल 11 तारीख को चंद्रायन गुट्टा तलाकुंटा एरिया में रहने वाली एक लेडी है परवीन बेगम। उनके घर में एक भारी चोरी हुई। इस टाइम पे 8,00,000 का पूरे गोल्ड और कैश का चोरी हुआ। इसका अभी इसमें दो एक्यूज्ड है, ये दोनों पकड़े गए। एक है अब्दुल अजीज, दूसरा मजहर अलमूदी। ये अब्दुल अजीम इस लेडी का रिश्तेदार है, उसका घर में आना जाना है उसका। वहाँ ये चाबी को उसने एक बार देखा और उसको चाबी को उठाया और उसका नकल बना के असली चाबी वही रख दी। जब ये फैमिली मेंबर्स बाहर गए, किसी के रिश्तेदार के घर में गए, उस टाइम पे ए टू मज़र के हेल्प लेके ये नकली चाबी के इस्तेमाल करके पूरा सोना, कैश और दस्तावेज लेके गए। और इस पूरे केस में पकड़ने वाले ने बहुत कोशिश किए। चंद्रायन गुट्टा क्राइम टीम इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, SI घोष खान, कांस्टेबल प्रशांत, कांस्टेबल प्रवीण, वेंकटेश गौड़ कांस्टेबल, रंगराजु कांस्टेबल, निखिल साई कांस्टेबल और विद्यावती सुमन कांस्टेबल। और इसमें मॉनिटर करने में चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर और ACP फलकनामा, इन सबको कमिश्नर साहब अंजय कुमार साहब के तरफ से बधाई देता हूँ।